हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती होंगी कि आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय न्यू चैनल। मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो अभी मैं सोकर उठ चुकी हूँ, अभी सुबह के बज रहे हैं 7। मेरे बेटे का आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है, आवेज का। तो मुझे उससे ऑनलाइन क्लास करवाना पड़ता है। अभी मैं जा रही हूँ उसे ऑनलाइन क्लास कराने के लिए। बाकी के बाद मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। ये देखिए गजन पर कैसे अपना ऑनलाइन क्लास कर रहा है। मेरा बेटा का निक नेम आवेज है और उसका स्कूल का नाम गजन पर है। ये देखिए, कंप्यूटर क्लास हो रहा है इसका। अभी समर वेकेशन ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लास हो रहा है। कुछ दिन बाद ऑफलाइन होगा, मंडे से शायद ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा बच्चों का। बहुत परेशान हो जाती हूँ ऑनलाइन। अपनी खाला के घर, तो अभी अभी उसका कॉल आया और वो बोल रही है कि आप ही, मैं जा रही हूँ, थोड़ा हम लोग से मिल लीजिए और मिनी को दिखा दीजिए। तो अभी मैं जा रही हूँ उन लोग से मिलने के लिए। तो तुम लोग जा रही हो? जी, हम लोग रेडी हो गए। कब आओगे फिर? हम लोग शाम, रात हो जाएगा, 8-9 बज जाएगा। 8-9 बज जाएगा आराम से। आज तो मेरा बोर होने का दिन है। फिर तो मिनी को बहुत मिस करेंगे। है मिनी तो है, मिनी को बहुत मिस करेंगे ना। मिनी हम लोग को भी मिस करेगी, है ना बेटा? आज मेरा काम ही नहीं हो पाएगा, आज सारा दिन हम बिजी रहेंगे मिनी को लेकर के। मिनी के मामा तो फिर छोटी मम्मी, मम्मी कहीं है नीचे, बोली है तुम लोग आओ, हम नीचे से कुछ सामान ले। ओह अच्छा, ठीक है, शाम में मिलते हैं, रात में मिलते हैं फिर। गाइज, आज एकदम मेरा बोर होने का दिन है। सानिया लोग भी चली जा रही हैं अपनी खाला के घर, कमर हट्टी जा रही हैं वो लोग। और आज मिनाहिल को लेकर मेरा एकदम परेशान होने का दिन है। तो आज तो मिनाहिल बिल्कुल भी कोई काम करने ही नहीं देगी मुझे, क्योंकि मैं उन लोग के पास में रख देती हूँ तो मैं घर का कुछ कुछ काम कर पाती हूँ। तो आज मिनाहिल मैं ब्लॉग में डालने वाली हूँ तुम्हारा ये बदसूरत, गौर से देखो इसको, ये देखो, ईश, छी 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 छी, देखा, ऐसे ही बनाता है फेस, हर वक्त अपना खराब खराब फेस बनाता रहता है। छी छी छी, पब्लिक देखेगा क्या बोलेगा। इसका दिन भर बस यही काम है, स्विच को ऑन ऑफ करना और यहाँ का लाइट जलाना। बंद कर दो मम्मा, ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। नवीन, नवीन आप बैंक कब जाएंगे? हाँ, आप बैंक कब जाएंगे? जाएंगे, लेट हो रहा है, जल्दी जाए, नहीं तो टिफिन करने के लिए उठ जाएगा बैंक वाले लोग। ठीक, गौर से देखो इस बदसूरत चेहरे को, इतना अच्छा फेस दिए अल्लाह, और कैसे तुम फेस बना रहे हो, हाय अल्लाह। वो जोकर से बहुत इंस्पायर्ड है, जोकर है ना वो, क्या आही, उससे बहुत इंस्पायर्ड है। तो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ आविस के स्कूल, जा रही हूँ स्पीच सबमिट करने के लिए। मैं उसका ब्लॉग भी शेयर कर दूंगी आप लोगों को। हेलो मिनी, तुम क्या खा रही हो? अल्लाह, ये तुम क्या खा रही हो बेटा? छी 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 छी, तो गाइस मैं आविस के स्कूल के बिल्कुल पास में ही हूँ, फिर सबमिट करने आई हूँ उसके।
भाइयों की स्कूल में पढ़ना है। फाइनली गाइस फीस तो मैंने दे दिया है, पर 7th को लास्ट डेट रहता है और आज 8 जून है। इसके वजह से मुझे लेट फाइन लग गया। मैं हर मंथ दे देती हूँ मंथ लगने के आगे, लेकिन कल ATM सपोर्ट नहीं किया बोल करके आज मेरा लेट हो गया और 200 फाइन मुझे बेवजह लग गया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया बट नहीं मानी मैम। बहुत दिल कर रहा था खाने का। पापा खाएंगे, पूछो अरे जब हम लोग घर आएंगे तब हम लोग लेते हैं। हाँ ऑरेंज फ्लेवर भी दे दीजिएगा। ये सब क्यों रखा है? ले लो। हम आप अपना लेके आइए, हम पापा को जाके दे। मैं अब आप लोगों को क्या ही बोलूं? मेरे साथ आज इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मेरा तो दिल अंदर से इतना ज्यादा दुख रहा है ना कि क्या बोले यार। मेरा ना क्या हुआ पता है, जब हम स्कूल का फीस देकर चले आ रहे थे तो मेरा गोला आइसक्रीम का जो गोला होता है ना वो खाने का बहुत मन कर रहा था। तो मैं मेरे बेटे को बोली थी गोला लो, तो गोला लिए तो मेरे दोनों हाथ में एक गोला था और एक मेरे बेटे के हाथ में गोला था। तो मैं बोली कि आवेश तुम फ़ोन धरो, मैं जल्दी से मिनाहिल को गोदी में लेती हूँ। तो आवेश क्या किया, आवेश ना गोला धरने गया और हम उसको देने के लिए फ़ोन गए, मेरे हाथ से फ़ोन ऐसा स्लिप करके गिरा और मेरा फ़ोन गिर के चूर हो गया। मुझे अभी वापस से रिपेयर शॉप जाना पड़ रहा है क्योंकि फ़ोन तो बंद कर आ चुका था लेकिन उसमें अभी भी डिस्टर्बेंस हो ही रहा है। इस वजह से मुझे वापस से निकलना पड़ेगा रिपेयर शॉप के लिए, क्योंकि शॉप वाला को जब मैंने फ़ोन किया तो उसने बोला कि आप प्लीज़ जल्दी चले आइए क्योंकि 8 बजे हम लोगों का शॉप बंद हो जाएगा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो मुझे अभी निकलना है। मिनाहिल को मैं सिमी पप्पी के घर छोड़ कर जाऊँगी, कौशान उसको देख लेगी मेरे मामू के घर, और आवेश को मैं ट्यूशन भेज दे रही हूँ पढ़ने के लिए, और हम और नवीन जा रहे हैं रिपेयर शॉप अपने मोबाइल को ठीक कराने के लिए। आई होप सो कि मेरा फ़ोन जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ
यहाँ हम लोगों को भूख लग गया है और हम लोग चाउमीन खाने के लिए आए हैं यहाँ। मेरा मोबाइल तो बन गया है लेकिन गारंटी नहीं है क्योंकि एलसीडी तो पूरा उड़ ही चुका था, पूरा मूड मेरा कचड़ा हो गया है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कल का इंसिडेंट वाला व्लॉग मैं यहीं पे अब एंड करती हूँ। कल मैं गई थी जब रिपेयर शॉप, मोबाइल के रिपेयर शॉप गई थी, तो वहाँ से आते आते इतना लेट हो गया कि मैं और व्लॉग बनाने का मेरा मूड भी नहीं हुआ। एक तो मेरा इतना अच्छा फ़ोन जा चुका था और वो जब बंद कर आया तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं दे रहा था मोबाइल रिपेयर शॉप वाला कि आप मतलब उसको स्क्रीन गार्ड लगा सकते हैं। तो ये रहा ये वाला मेरा मोबाइल, ये टूट चुका था पूरा स्क्रीन, इसका एलसीडी जा चुका था और एलसीडी मैंने लगवाया 3000 मुझे लग गया, कल बेवजह लग गया मेरा 3000। इसमें मेरा मूड तो इतना ख़राब है, ये फ़ोन मेरे भाई ने दिया था एक्चुअली, मुझे मेरा भाई सोनू मुझे दिया था गिफ्ट, एज अ गिफ्ट दिया था। मेरा मूड तो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि मुझे और ब्लॉग बनाने का कल का ब्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि ब्लॉग बनाने का दिल नहीं, कल वाला ब्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा है। खैर ने तो मुझे बोल ही दिया, मतलब आवेश के पापा ने मुझे बोल ही दिया कि छोड़ो यार इतना ज़्यादा सोचा मत करो, हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ नया आने वाला रहे, इस वजह से तुम्हारे पास में ये पुराना जा चुका है, और इतना ज़्यादा पैसा का लेके सोचा मत करो। 3000 सोचो कि कुछ मुसीबत आने वाला था वो कट गया, हाँ तो ये मैं भी मानती हूँ। अच्छा खैर इसी के साथ मैं अपना वीडियो अब यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू मुझे इतना लाइक देने के लिए और मेरे चैनल के फैमिली मेंबर्स बनने के लिए, अब तक मेरे 55 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और आगे भी ऐसे ही मेरे साथ आप लोग बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलती हूँ बाद में, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।